हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है स्टफ फ्राई शामी कबाब। आपने शामी कबाब तो बहुत खाए होंगे, पर हमारी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमने हाफ के जी मटन लिया है बोनलेस। यहाँ हमने लिए है मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। मिर्ची अब अपने हिसाब से डालिए, हमने थोड़ा हम तीखा खाते हैं इसलिए हमने थोड़ी मिर्ची ज़्यादा लिए हैं। अब अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको तीखी लगती है ज़रूरत। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, चार हरी इलायची, चार लौंग, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 इंच के टुकड़े दालचीनी के और 1 तेज़पत्ता। अब ये सारा गरम मसाला ऐड कर दे। अब ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने मोटा मोटा कट कर लिए थे, उसी को ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप धुली हुई चने की दाल। हल्दी 1 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब ऐड करेंगे नमक। हमने अपने हिसाब से नमक ऐड किया है, अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। सबको अच्छी तरह मिक्स कर ले। हमने सबको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, पूरा मसाला वगैरह सब एक साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। 2 कप पानी। अब हम इसको सीटी लगा देंगे, 3 से 4 सीटी हम लेंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। ये सब अच्छी तरह गल गया है, कांदा, अदरक, लहसुन सब अच्छी तरह से गल गया है। इसको हम इसका पानी ड्राई हो जाएगा उसको निकाल लेंगे। इसका पानी अच्छी तरह ड्राई करें, अभी इसमें थोड़ा पानी है, हम इसको फास्ट आंच पे पानी ड्राई कर लो। चलिए पानी इसका ड्राई हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। अभी हम इसमें से सब चीज़ें निकाल देंगे। हमने मिक्सर में जैसे ठंडा हो गया है, हमने इसे मिक्सर में डाल दिया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। अच्छा बारीक पेस्ट करना है। अब हमने इसे अच्छी तरह पीस लिया है, बारीक एकदम अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें कोथमीर, हरा धनिया वगैरह ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अभी यहाँ अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अभी हमने 2 अंडे को बॉईल कर लिया है, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। अभी हमने 2 अंडों को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसमें मेयोनीज वगैरह ऐड करेंगे। अंडे में ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, दो चम्मच मेयोनीज, हम थोड़ा और ऐड करेंगे। अब सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 2 चम्मच हरा धनिया ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिला दें। ये रेडी है स्टफिंग के लिए।
यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथ पे लगाने के लिए, और कीमे को हमने फ्रिज से निकाल दिया था। अब इस तरह से हम थोड़ा हाथ पे ऑयल लगाएंगे और कबाब की टिकिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छी तरह से फैलाना है, और इसमें अब हम मेयोनीज का स्टफिंग भरेंगे। इसको स्लोली स्लोली फोल्ड करना है ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। हमें इसे हल्के हाथ से ही फोल्ड करना है, ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, मेयोनीज बाहर आ जाएगा। अभी यहाँ पे सारे कबाब रेडी है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अभी हमने कबाब फ्राई करने के लिए एक अंडा लिया है, उसको अच्छे नमक थोड़ा हल्का नमक डाल के फेंट लिया है। अब हम अंडे में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से अंडे में डिप कर ले सारे कबाबों को, साइड से हो गए, हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हमारे कबाब रेडी है सर्व करने के लिए। इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। देखिए देखने में कितने अच्छे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।